नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मौसम के आने पर वर्षा के बाद होने वाले बीमारियों के बारे में चर्चा किया था कि जब बरसात शुरू होता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाता है और जितने भी गड्ढे होते हैं सब पानी से भर जाते हैं, उसमें तरह तरह के जीवाणु पैदा लेते हैं, मच्छर पैदा लेते हैं, बैक्टीरिया पैदा लेते हैं और उससे तरह तरह के बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी डेंगू के बारे में चर्चा किया था। आज मैं मच्छर से होने वाले बीमारी मलेरिया के बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मलेरिया का बुखार फीमेल मच्छर एनोफिलिस के काटने से होता है। इस मच्छर में एक विशेष तरह का जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये जो जीवाणु प्लाज्मोडियम जो होता है, इसकी 5 जातियां पाई जाती हैं। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जीवाणु व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और जब शरीर में जब ये चला जाता है तो ये अपने आप को कई गुना वृद्धि कर लेता है। इसकी संख्या कई गुना हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इस जीवाणु की वजह से हमारा जो शरीर है उसका ब्लड, लीवर, ये सब संक्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और अगर समय पर उस व्यक्ति का इलाज नहीं किया जाए तो जान भी जा सकता है। मलेरिया जब बुखार होता है तो ठंड देकर बुखार आता है, हमारे शरीर में तेज़ दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, बल्कि कभी कभी उल्टी हो भी जाता है, पूरे शरीर में दर्द पैदा होता है, खून की कमी हो जाता है, कमजोरी और थकान महसूस होने लगता है। उस व्यक्ति का जो आँख का जो पुतली है उसका रंग पीला होने लगता है, तेज बुखार, और जब पसीना निकलता है तो पसीना निकलने के बाद बुखार कम हो जाता है। ये मुख्य रूप से ये मलेरिया जिस व्यक्ति को हो जाए उसमें ये पाया जाता है। तो दोस्तों, मलेरिया का मुख्य रूप से 3 अवस्था पाया जाता है, 3 स्टेज में मलेरिया बुखार पाया जाता है और इस ये 3 स्टेज अगर किसी व्यक्ति में दिखे तो समझ लेना चाहिए कि किस व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया। पहला जो स्टेज है उस स्टेज को कोल्ड स्टेज, दूसरा स्टेज को हीट स्टेज और तीसरा स्टेज को स्वीट स्टेज के नाम से जाना जाता है। किसी भी ज्वर में ये 3 अवस्थाएं, जैसे चारा लगकर बुखार आए ये पहला स्टेज हो गया और उसके बाद दूसरा जो स्टेज आता है उसमें गर्मी देकर पसीना छूटने लगता है, जिसको हीट स्टेज कहते हैं, और तीसरा स्टेज जो आता है उसमें फिर हमारा शरीर जो है वो फिर बुखार कम जाता है, तो इसको हम स्वीट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मलेरिया बुखार जब हो जाए तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, या जहाँ पानी जमा हो वहाँ पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। नाली हमेशा साफ
करते रहना चाहिए ताकि नाली में पानी जमा ना हो, और अगर कहीं पानी जमा हो गया हो तो उसमें कीटनाशक दवा, और अगर दवा नहीं है तो कम से कम करासन तेल एक आध ढक्कन जरूर उस गड्ढे में डालते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मलेरिया का जो मच्छर होता है इन जमे हुए पानी में ही अंडे देता है और इससे मच्छर पैदा होते हैं। अगर मलेरिया बुखार हो गया हो तो हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म करके सुसुम पानी पीना चाहिए और न ठंडा पानी से नहाना चाहिए। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को फल भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। हाँ, फल में सेब पेशेंट खा सकता है और इस बीमारी में सेब काफ़ी फायदा करता है। तुलसी का पत्ता में थोड़ा सा 5-6 गुल मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी में तुलसी और 5 दाना गुल की डालकर उबाल लेना चाहिए और उसको छान कर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिए देना चाहिए। इससे मलेरिया में काफ़ी फायदा होता है। और अगर किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया बुखार हो गया हो तो होम्योपैथ में भी बहुत सी दवाएं हैं जिनका सेवन करने से ये बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर मलेरिया बुखार अगर नया है तो लक्षण के अनुसार हम बहुत सी दवाएं हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे क्विनिनम 200, आर्सेनिक 200, इपिकार 200, सीडरन 200 और चाइना 200 का प्रयोग करते हैं। और अगर ये मलेरिया अगर पुराना हो गया हो तो सल्फर 200, कार्बोवेज 200 और नेट्रम मयूर 200 सिम्टम मिलाकर देने से ये रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि समय समय पर मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।